assalamu alaikum dear students this is lecture 10 of the tense series that we have been working on for last 10 days we have been working on tenses in this video i am going to teach you the function of perfect continuous tense which can be used in two situations this tense can be used for an action that began in the past एंड इज स्टिल गोइंग ऑन क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक एक्शन हमने शुरू किया हो तो वो हमेशा परफेक्ट भी हो गया हो मुकम्मल हो गया हो हो सकता है कि एक्शन या काम जो है वो हमने पास में शुरू किया हो लेकिन अभी भी वो चल रहा हो सो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फोर आवर्स वी कुड है सो so, अगर हम कहते ही हैज स्लिप तो वो सोने का काम मुकम्मल कर चुका होता इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो कितनी देर से सो रहा है या जो सोने का अमल है या एक्टिविटी है वो कंटिन्यू हो गई है सो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फोर आवर्स हमने इसलिए यूज किया कि हमारी जो परफेक्शन है या जो काम का परफेक्ट होना है वो कंटिन्यू कर गया शी हैज़ बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लास फॉर थर्टी मिनट्स अगर मैं कहती कि शी हैज़ टेकन द क्लास तो फिर क्लास हो गई होती मैं ये भी कह सकती थी शी इज़ टेकिंग द क्लास अगर मैं शी इज़ टेकिंग द क्लास कहती तो इस मोमेंट में वो क्लास ले रही थी लेकिन कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ मैं ड्यूरेशन नहीं लगा सकती सो मैं ये नहीं कह सकती कि शी इज़ टेकिंग द क्लास फॉर थर्टी मिनट्स ये गलत हो जाता अगर मैं परफेक्ट लगाती कि शी हैज़ टेकन द क्लास तो फिर क्लास ख़त्म हो चुकी होती मैं ये भी नहीं कहना चाहती मैं ये कहना चाहती हूँ कि तीस मिनट से क्लास लेने का काम चले जा रहा है, वो कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं. So perfect continuous हैं, हैं, हम हम तब इस्तेमाल करते करते जब एक ऐसे काम को शो करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी हो सो so मतलब है कि उन्होंने कई महीने पहले से ट्राई करना शुरू कर दिया था और अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं सो so, ये काम कंटिन्यू हो गया ऑनलाइन क्लास तीस मिनट पहले शुरू हुई थी लेकिन अभी भी जारी है वो चार घंटे पहले सोने गया था लेकिन अभी भी सेम स्टेट में वो मौजूद है हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब हम किसी ऐसे काम की बात करें जो कि मुकम्मल हो चुका है लेकिन हम वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देनी है सो लेट से आप लेट पहुंचे और आपसे पूछा जाता है कि वाई यू आर लेट एंड यू से आई हैव been फाइंडिंग स्पेस फॉर पार्किंग सो मैं पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा था ये आप past की बात कर रहे हैं लेकिन आपने परफेक्ट present tense यूज किया है इन द सिमिलर फैशन इफ यू आर about अबाउट whereabouts वेयर what और have यू हैव lately डूइंग लेटली यू कैन have been watching द क्राउन द क्राउन इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज सो हम ये काम कर चुके हैं ये हमारा पास का काम है हमने ये काम मुकम्मल कर लिया है लेकिन क्योंकि हम इसे एज एन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक सवाल के जवाब में दे रहे हैं इसलिए हमने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज किया दिस टेंस इज समाइम्स यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड इन सच केसेस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फ एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग सो ये जो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये इम्फेसाइज कर रही है एक्सप्लेनेशन को उस काम की जो कि हमने किया है अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आई वॉज कुकिंग द मील क्योंकि वॉज पास्ट में चला जाएगा हम अभी प्रेजेंट में अपनी रीसेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं आई ऑलवेज इनकरेज माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड